हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में बताऊंगा आपको कि जो आप अगर टीजीटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, जो कि टीजीटी का एडमिट कार्ड है यूपीएससी डबल एसएसबी यानी कि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, अगर आप टीजीटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि ये एरर शो कर रहा हो, सॉरी एग्जामिनेशन हैज नॉट शेड्यूल्ड प्लेनेट शेड्यूल्ड, देन ओनली यू कैन डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्लैश हॉल टिकट। ठीक है, एडमिट कार्ड या फिर हॉल टिकट एक ही बात होती है। और अगर आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो उसे कैसे, रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कैसे प्राप्त करें, तो वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो आपको एरर दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है? वो इसलिए दिखा रहा है, जैसे कि आप अगर अपना जो आपने कन्फर्मेशन लिस्ट जो आपने डाउनलोड करी होगी, कन्फर्मेशन जो आपने रसीद डाउनलोड करी होगी, तो उसमें ये देखिए आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या दिखा रहा है आपका, 012020 तो नहीं दिखा रहा है। अगर 2020 दिखा रहा है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्योंकि जो 2020 वाली जो वैकेंसी आई थी वो कैंसिल हो गई थी और दोबारा से 2021 में जो वैकेंसी आई है वो लेटेस्ट वैकेंसी है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो चुका है आपका। ठीक है, तो आप ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं इसलिए आपको गलत दिखा रहा है। तो चलिए, मैं आपको, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना प्राप्त करें। तो देखिए, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना ब्राउजर ओपन करेंगे या फिर फोन में किसी में भी हो आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सरकारीरिजल्ट.com एंटर करेंगे। और सरकारीरिजल्ट.com की जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी, उसके बाद सबसे ऊपर ऊपर ऑप्शन ये आ रहा है यूपी टीजीटी 2021, ठीक है, एडमिट कार्ड। ठीक है, ये आपका ऑप्शन आ रहा है, या फिर अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ये आ रहा होगा, ठीक है, यूपी टीजीटी 2021 एडमिट कार्ड। ठीक है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद एक पेज ओपन होगा आपका, यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आप गलती कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे भी दिखा रहा है कि एडमिट कार्ड केवल उन्हीं आवेदकों का जारी किया जाएगा जिनका जो जिन्होंने 2021 में रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर इससे स्टार्ट होगा, यूपी 002100 4 से स्टार्ट होगा। आप क्या कर रहे थे यहाँ पे, 2020 वाला अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे थे, इसलिए आपको एरर दे रहा था। तो देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, आपको यहाँ पे फाइंड रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन दिखा रहा होगा। ठीक है, तो फाइंड रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप फाइंड रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा कैंडिडेट नेम। ठीक है, तो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपने कैंडिडेट नेम जो फिल किया है वहाँ पे आप यहाँ पे कैंडिडेट नेम फिल करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम टाइप करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ड्यू भी एंटर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ड्यू भी एंटर करने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैप्चा कोड डाउनलोड करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये बोलेगा ड्यू वांट टू प्रोसीड, ओके। उसके बाद आपको जो भी आपने पास्ट में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो सारे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपको शो कर देगा। ठीक है, उसमें उन रजिस्ट्रेशन नंबर में जो भी सबसे नीचे का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपका लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और उसका आप या फिर तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए और या फिर उसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको ये यहाँ पे दो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, इसमें जो लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ये वाला है। ठीक है, लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे वाला है, इसे आप यहाँ से कॉपी करिए। ठीक है, और आपका क्या है, यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करिए। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होके सामने आ जाएगा। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।